हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्यूपा के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं, एक जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट्स में, उनकी लाइफ साइकिल में, ऐसे इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में चार स्टेजेस होता है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर हो चुका है, यानी लेक्चर नंबर 12, उसमें हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसी तरीके से हमने लार्वा पढ़ा था उसी लेक्चर में, और लार्वा के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्यूपा क्या होता है, प्यूपा का स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्यूपा के कितने टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि प्यूपा, तो प्यूपा जो है एक जो डेवलप करता है इंसेक्ट, उसका एक स्टेज है। इसीलिए प्यूपा को हम लोग परमानेंट स्टेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है इंसेक्ट के डेवलपमेंट में, ठीक है। यानी इंसेक्ट के लाइफ का एक स्टेज है जो कनेक्ट करता है लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज को, ठीक है। और दूसरे अगर टर्म में बोलें तो प्यूपा क्या है, थर्ड फेज है किसी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में, और वो इंसेक्ट कैसा हो, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता हो, ठीक है। प्यूपा जो होता है वो रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेस्टिंग क्यों कह रहे हैं, रेस्टिंग इसलिए होता है कि जैसे हम एक देखते थे तो वो फिक्स्ड होता था, ठीक है। लार्वा देखते थे वो क्या करता था, अपने आप, उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता था, वो लोकोमोशन करता था और अपने फूड को फूड खाता था जा जा के और डेवलप करता था। लेकिन अगर हम प्यूपा के बारे में देखें तो ये फिक्स्ड होता है एक पॉइंट पे, ठीक है, और इनमें मूवमेंट जीरो होता है। लेकिन कुछ कुछ इंसेक्ट्स में देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, मॉस्किटो का प्यूपा होता है वो थोड़ा सा मोबाइल होता है, वो अपने किसी लोकोमोटरी ऑर्गन की वजह से नहीं। हाँ, लेकिन अभी हम देखेंगे वो डिफरेंट केसेस हैं जहाँ पे कुछ प्यूपा जो होता है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इनएक्टिव कहते हैं प्यूपा को, एक तो रेस्टिंग कहते हैं क्योंकि वो फिक्स होता है, और दूसरा इनएक्टिव कहते हैं। इनएक्टिव इसलिए कि उसमें जो एनर्जी है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो मतलब अप्रोक्स या फिर सिमिलर टू जीरो होता है, मतलब कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो पूरा प्यूपा जो स्टेज है वो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, कहीं पे आएगा या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसेक्ट जिनमें डिस्टिंक्ट एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बनता है, यानी कह सकते हैं ऐसे इंसेक्ट जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। उसी से एक सिमिलर टर्म है हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस में चार जो स्टेप्स है वो नहीं होगा, उनमें नाइट्स बनेगा। याद होगा जैसे मैंने निम्फ बताया था, उसी का एक नाम होता है, नाइट्स होता है किसी इंसेक्ट में, बग में होता है, ठीक है। तो अगर नाइट एक्वेटिक है और एडल्ट टेरेस्ट्रियल हो जाता है, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनमें जिनका नाइट्स होगा या फिर निम्फ होगा वो एक्वेटिक हो और एडल्ट टेरेस्ट्रियल हो, उसको हम लोग हेमी मेटाबोलस बोलते हैं। तो जो प्यूपा बनता है वो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स में बनता है, यानी जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है। अब हम प्यूपा के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये क्या, प्यूपा जो है वो एक जगह पे फिक्स्ड है, तो ये इनकैपेबल ऑफ फीडिंग है, ये मतलब खाना वाना नहीं खाता उस टाइम पे, और क्विसेंट होता है यानी शांत होता है, ठीक है। इन दिस लार्वल कैरेक्टर्स आर डिस्ट्रॉयड एंड एडल्ट कैरेक्टर्स आर अपीयर। कहने का मतलब है कि प्यूपा ऐसा स्टेज है जिसमें जो हमारा लार्वा कैरेक्टर था वो खत्म होता चला जाता है और जो एडल्ट का कैरेक्टर है वो अपीयर होता है, ठीक है। और जो एक प्यूपा को अगर हम सामने से देखेंगे तो उसके ऊपर एक सेल होता है, सेल यानी प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है, जिसके अंदर लार्वा अपने आप को क्या कराता है, माउल्ट कराता है सेवरल टाइम्स और अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट करता है। अब ये सेल्स जो है यानी आउटर कवर है वो बहुत सारी चीजों से बना होता है, किसी में फाइबर से बना होता है, किसी में हेयर से बना होता है, किसी में सॉयल से बना होता है। तो इन ये सब सारा चीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से बना होगा, और वो इंसेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हो इसमें दिखा रहा है कि जो प्यूपा है, सॉरी जो लार्वा है वो प्यूपा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसी जो ये जो सेल बना है येलो कलर का, इसी के अंदर ये जो लार्वा है वो डेवलप करता है, एडल्ट के फॉर्म में आता है। आप इसको नेक्स्ट इमेज में देखोगे, देखो इसमें क्या हुआ, ये जो प्यूपा है वो कन्वर्ट हो गया फिर एडल्ट में, यानी एक जो सेल बना हुआ था ये प्यूपा का जो सेल था उसको ब्रेक करके ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एडल्ट जो है अपने आप को बाहर फ्लाई कर जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्यूपा। तो आप जो लेफ्ट हैंड पे जो इमेज देख रहे हो यही होता है एक प्यूपा का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिस जगह से वो अटैच होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेटम यानी बेस, ठीक है। तो उससे निकला होता है जो अटैच पार्ट है सबस्ट्रेटम से प्यूपा का, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्क पैड, ठीक है। सिल्क पैड से एक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम लोग क्रीमेस्टर कहते हैं, ठीक है। आगे मैं इस वर्ड पे और भी फोकस करूंगा। और क्रीमेस्टर जो है वो मेन प्यूपा के बॉडी से क्या होता है, अटैच होता है,
तो आप अगर यहाँ पे प्यूपा को देखोगे तो ये जो है एक बटरफ्लाई का प्यूपा है, जिसमें ये जो ऊपर वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, इसका एब्डोमेन पार्ट होगा, जो हेड होगा वो नीचे होगा। तो ये जो दिखा रहा है प्यूपा, प्यूपा क्या है, एक लिविंग क्रिएचर है, तो इसीलिए जो इसका हेड होता है इसके अंदर, मतलब जो लार्वा गया था इसके अंदर, इस वाले प्यूपा के अंदर उसका हेड नीचे था, और अपने आप को उसने माउल्ट कहाँ से किया है, यानी जो सेल बनाना स्टार्ट किया था वो अपने हेड की तरफ से बनाना स्टार्ट किया था, और वो अपने आप को कवर कर चुका है इसके अंदर में। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, एब्डोमिनल सेगमेंट से, ठीक है। और ये रहा, ये जो एरिया दिख रहा है वो विंग्स कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। और जब इंसेक्ट अपने आप को, जब प्यूपा का फॉर्मेशन करता है, मतलब लार्वा से जब प्यूपा में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले बनाता है सिल्क पैड, मतलब सबसे पहले अपने आप को अटैच करता है एक सबस्ट्रेटम से, फिर क्रिमेस्टा का फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद ये सेल का फॉर्मेशन करता है, और सेल भी सबसे पहले हेड की तरफ से करता है, ठीक है। आप इसको रियल में भी देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ये दिख रहा होगा विंग्स, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो प्यूपा है उसका टाइप। तो प्यूपा का थ्री टाइप का होता है, जो प्यूपा होता है वो थ्री टाइप का होता है, वो किस बेसिस पे, कि जो इंसेक्ट का जो अपेंडेजेस है वो बॉडी वॉल के साथ क्या है, ग्लूड है, चिपका हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो प्यूपा है वो तीन टाइप का है, पहला ऑप्टेट, दूसरा एक्जरेट, और थर्ड जो है कॉर्टेट, ठीक है। ऑप्टेट, एक्जरेट, कॉर्टेट। जो अब ऑप्टेट टाइप का जो प्यूपा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑप्टेट टाइप टाइप का जो प्यूपा है उसमें क्या होता है, जो भी उसके जो भी मतलब अपेंडेजेस हैं, यानी एंटीना, लेग, विंग पैड, सारे क्या होते हैं, ग्लूड होते हैं, यानी चिपके हुए होते हैं बॉडी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट है वो एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है जब वो अपना माउल्टिंग प्रोसेस करता होता है, यानी जब लास्ट माउल्ट करता है ना जो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सिक्रेशन सिक्रीट करता है जो कि लार्वा के सारे अपेंडेजेस को क्या करता है, अटैच, मतलब यानी फिक्स कर देता है बॉडी वॉल से, ठीक है। तो अब जो पार्ट चिपक गया बॉडी वॉल से वो तो लेस स्क्लेरोटाइज्ड होगा, लेकिन जो पार्ट एक्सपोज है एनवायरमेंट से वो कंप्लीटली या फिर हाईली स्क्लेरोटाइज्ड हो जाता है इस टाइप ऑफ प्यूपा में। एग्जाम्पल क्या है इसका, मोथ प्यूपा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हो। अभी जो ऑप्टिक टाइप ऑफ प्यूपा है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है क्रिसालिस, दूसरा होता है टम्बलर। क्रिसालिस प्यूपा बटरफ्लाई का होता है, और टम्बलर जो होता है वो मॉस्किटो का होता है। ये दोनों टाइप ऑफ जो प्यूपा हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिसालिस के बारे में। तो क्रिसालिस क्या है, ये नेक्ड ऑप्टेक प्यूपा है। नेक्ड मतलब कहने का मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट दिखता है हमें उनका प्यूपा, ठीक है, बहुत सारे मतलब बटरफ्लाइज में, ठीक है। इनका जो शेप होता है वो एंगुलर होता है और अट्रैक्टिव कलर से भरा होता है, मतलब इनका जो प्यूपा होगा अट्रैक्टिव कलर का होगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा भी था इस वाले इमेज में, यहाँ पे देखो ये कितना है, ये कलरफुल है। उसी तरीके से जो हमारा क्रिसालिस होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इमेज में देख सकते हो उसको, इस वाली इमेज में जो फर्स्ट है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इनमें हुक पाया जाता है, ठीक है, टर्मिनल एंड पे, और यही हुक जो है वो अपने आप को अटैच करता है सबस्ट्रेटम से, और इस हुक को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो हुक है बटरफ्लाई के केस में वो टर्मिनल एंड पे होता है, यानी एब्डोमेन जो होगा वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। और जो हेड वाला पार्ट जो होता है, यानी हेड इसका क्या कहाँ होगा, नीचे साइड पे होगा। तो ये जो थ्रेड दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये जो जाके अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, यानी दो थ्रेड निकले होते हैं हेड की तरफ से, और एक जो सिल्क थ्रेड होता है वो निकला होता है टर्मिनल एंड से एब्डोमेन की तरफ से। तो टोटल थ्री थ्रेड्स होते हैं जो कि एक प्यूपा को अटैच करा के रखते हैं सबस्ट्रेटम पे, और जो हेड की तरफ से थ्रेडर्स को ग्रिडल कहते हैं, और जो टर्मिनल एंड की तरफ से है उसको हम लोग क्रीमेस्टर कहते हैं। और सेम यहाँ पे डायग्राम है जो मैंने अभी पहले अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अब सेकंड आता है टम्बलर। तो टम्बलर क्या है, प्यूपा ऑफ मॉस्क्यूटो, ठीक है। इसका जो अगर हम शेप देखेंगे तो एक कॉमा शेप होता है और रूडिमेंट्री अपेंडेजेस पाया जाता है। पहले तो कॉमा शेप आप ये इसमें डायग्राम में देख लो, इमेज में देख लो, और दूसरा जो इनका अपेंडेज होता है वो क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है, बहुत छोटे छोटे इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें ब्रीदिंग ट्रम्पेट्स पाया जाएगा और एनल पैडल्स पाया जाता है। इन दोनों का जो फंक्शन है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, इनके स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन बस ध्यान रखना ब्रीदिंग जो है उनके ब्रीदिंग में, क्योंकि वो एक सेल से कवर्ड है ना, तो उनके ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और एनल पैडल्स जो है उनके बॉडी में जो वाइब्रेशन, क्योंकि ये इनका जो प्यूपा है वाटर सर्फेस के अंदर बनता है, जो वाइब्रेशन है
उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है एनल पैडल्स, और उसी एनल पैडल्स से वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेट इसलिए करता है ताकि जो प्यूपा है वो अपने आप को डीअटैच कर पाए। मान लेते हैं कोई इंसेक्ट अगर उनको उनके प्यूपा को खाने आ रहा है तो अपने आप को वाटर सरफेस से डीअटैच कर लेते हैं, क्योंकि जो टम्बलर है ना वो अपने आप को वाटर सरफेस के जस्ट बिलो, ठीक है, वहां पे ही अपने आप को अटैच करता है। यानी इनका जो सबस्टेटम होता है ये वाटर सरफेस होता है, कहने का मतलब ये जो है ना ये वाटर सरफेस है उसके जस्ट नीचे अपने आप को ये अटैच करते हैं। ये जो टाइप का प्यूपा है वो बहुत एक्टिव कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोई प्रीडेटर आता है इनको खाने के लिए या फिर मारने के लिए, तो ये अपने आप को इस जगह से तोड़ लेते हैं, मतलब डी अटैच कर लेते हैं और वाटर के लोअर लेवल पे चले जाते हैं। फिर वो जब चला जाता है फिर अपने आप को आके अटैच कर लेते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, एक्टिव टाइप ऑफ प्यूपा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई अपना लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे वही एनल पैडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज भी यहाँ पे क्लियर होगा। जो सेकेंड टाइप ऑफ प्यूपा है एक्सेरेट टाइप, पहला हमने क्या पढ़ा था ऑप्टेट टाइप, जिसमें हमारा जितना भी अपेंडेजेस था वो क्या था, ग्लूड था। एक्सेरेट टाइप में कोई भी अपेंडेजेस जो होता है बॉडी से ग्लूड नहीं होता, मतलब सारे फ्री होते हैं। ठीक है, और ये जो इसका एग्जाम्पल है, जितने भी ऑलिगो टाइप ऑफ लार्वा हमने पढ़े थे, ऑलिगो टाइप ऑफ लार्वा जिसमें मैंने बताया था कि थोरेक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन दोनों जगह लेग्स पाया जाएगा। ठीक है, तो इन दो ऐसे जो भी लार्वा हैं, जो भी ऑलिगोपॉड होते हैं, वो सारे एक्सेरेट टाइप ऑफ प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे लार्वा जो होंगे, सॉरी ऐसे जो प्यूपा होंगे ये सॉफ्ट होते हैं और पेल कलर्ड के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया प्यूपा ऑफ राइनोसेरस बिटल, ये जो सेकेंड इमेज आप देख रहे हो यही है राइनोसेरस बिटल का प्यूपा। नेक्स्ट जो है वो है कॉर्केट टाइप ऑफ प्यूपा, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्यूपा है। इनमें कोई अपेंडेजेस होता ही नहीं है, यानी कोई भी अपेंडेजेस है ही नहीं, तो कोई ग्लूड होने का या फिर नहीं होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, इनमें जो प्यूपा होता है वो बैरल शेप्ड होता है, स्मूथ होता है और इनमें अपेंडेजेस नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप इस वाले इमेज में देख रहे हो। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो लार्वा का जो लास्ट स्किन होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है उनकी आउटर प्रोटेक्टिव कवर में, यानी केस में। ठीक है, और ये जो केस है फर्दर आगे जाके डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग प्यूपेरियम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है फ्लाई प्यूपा होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है प्यूपल प्रोटेक्शन। अब प्यूपा अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्यूपा को प्रोटेक्ट क्यों करना है अपने आप को, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी स्टेज है इंसेक्ट में वो अगर अपने आप को मूव करा पा रहा है, लोकोमोट कर पा रहा है, तब तो अपने आप को बचा सकता है। एक ऐसा स्टेज है जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं बचा के रख, उसको अपने आप को बचा के रखना पड़ता है, वो अपने आप को मूव नहीं करा सकता। ठीक है, तो इसी वजह से प्यूपा जो अपने आप को इनक्लोज कर लेता है एक प्रोटेक्टिव कवर में, जिसको हम लोग कहते हैं ककून। ठीक है, जैसे आप सिल्क में तो ककून्स जनरल जानते होंगे, तो उसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में ये जो ककून्स हैं, यानी ऊपर का जो कवर है प्रोटेक्टिव कवर है, बहुत सारी चीजों का बना होता है। जैसे सबसे पहला है सिल्क इन ककून, जिसमें जो मटेरियल है वो सिल्क होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्क वर्म आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो, जो फर्स्ट है वो सिल्क से कवर्ड है। जो सेकेंड है वो है अर्थन ककून, अर्थन कहने का मतलब है वो सॉयल से, मतलब जो उनका जो प्रोटेक्टिव कवर बना है वो सॉयल से और जो इंसेक्ट का सलाइवा है उन दोनों से मिलके बना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्राम पॉड बोरर। थर्ड जो है हेरी ककून, ठीक है, बॉडी हेयर से बना होता है और इसका एग्जाम्पल है वूली बियर, आप ये दोनों यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा अर्थन हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा हेयरी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, सॉरी अब जो हमारा है वो फ्रेसी ककून। फ्रेस मतलब क्या होता है, जो भी एक्सक्रीटा है या फिर सिक्रीशन है इंसेक्ट का वो और दूसरा सलाइवा, ये दोनों मिलके बनाता है फ्रेसी ककून, और ये पाया जाता है कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर्स में। नेक्स्ट है फाइबरस ककून, जिसमें फाइबर्स का यूज करके अपना ये प्रोटेक्टिव कवर बनाता है रेड पाम वीबल। और लास्ट जो है प्यूपेरियम, जैसे अभी हमने हाउस फ्लाई में देखा था, हार्डेंड लास्ट लार्वल स्किन। ठीक है, और ये हाउस फ्लाई में बनता है। तो आई होप यहाँ तक का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और सबको समझ में आ गया होगा। और ये रहा इसका जो लास्ट, मैंने भी हाउस फ्लाई का बताया कि हाउस फ्लाई में जो लास्ट प्यूपल, जो लास्ट लार्वल स्किन होता है वही उसके प्रोटेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप कुछ समझ पाया हो तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप हमारे चैनल को हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हो। अगर किसी को इस लेक्चर का अगर PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके, या फिर गो फॉर एग्रीकल्चर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।